हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है और मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। इवनिंग स्नैक्स और बच्चों का लंच बॉक्स या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी भी आप इसे बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया ब्रेड की स्लाइसेस, मैंने यहाँ पर होल व्हीट लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो आप घर में बचे हुए ब्रेड से बहुत ईजिली ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक कटोरी या ग्लास, जिस जो भी आपके घर में हो आप ले ले, उसे इस तरह से इसे सर्कल शेप में कट कर ले। अगर आपके पास कुकीज कटर है तो बहुत इजीली ये कट कर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ब्रेड को इस तरह से सर्कल शेप में हमें पहले कट करके रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे सारे ब्रेड्स मैंने कट कर लिए हैं और बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं और जो बनेगा नाश्ता ना वो भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा। इसे रखते हैं साइड में। मैंने यहाँ पे लिया है 3 उबले हुए आलू, इसे अच्छे से मैश कर देंगे। आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर ले या इस तरह से फोक की हेल्प से अच्छे से मैश कर ले, एक भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसे मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ मसालों में डाला है मैंने 1 टीस्पून के जितना ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 4 टेबलस्पून के जितना डाला है ब्रेड क्रम्स, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स इसलिए डाला है कि जो वेजिटेबल्स है उसमें मॉइस्चर रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट डाला है तो हमारा जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। इसलिए अगर ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट बना रहेगा। साथ ही 2 चीज़ क्यूब मैंने यहाँ पे ग्रेट करके लिया है। आप चाहे तो मोजरेला चीज़ भी ले सकते हैं, मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है। और साथ ही यहाँ ग्रीन चटनी ली है, दही धनिया की ग्रीन चटनी है ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेड की स्लाइसेस को लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हरी धनिया की चटनी को लगाएंगे। आप कोई भी धनिया की चटनी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो दही और धनिया की चटनी हो। और उसके ऊपर इस तरह से जो हमने चीज़ को ग्रेट किया है इस तरह से लगा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इसका फ्लेवर आ रहा था, एक बार तो आप इस तरह से जरूर बना के देखिएगा। तो इस तरह से जो जितने भी ब्रेड है ना उसके आधे ब्रेड को इस तरह से ग्रीन चटनी और चीज़ लगाकर हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, दिखने में लग रहा ना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा ही। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 ब्रेड अच्छे से ग्रीन चटनी और चीज़ लगा लिया है और ये 5 मिनट बचे हुए हैं जो आलू का मिक्सर बनाया था। साथ ही यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस। तो इस तरह से पहले टमाटो सॉस इस पे लगाएंगे अच्छे से। आप टमाटो सॉस की जगह कोई भी सॉस जो भी आपको पसंद है आप लगा सकते हैं, जैसे सेजवान चटनी हो गई, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जो हमने मिक्सर बनाया था आलू का, इस तरह से यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे और बहुत ही थिक सा लेयर लगाएंगे, एकदम थिन नहीं लगाएंगे, जिससे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एकदम थिक सा लेयर लगाएंगे और इस तरह से जो हमने ग्रीन चटनी और चीज़ लगाया ना उस ब्रेड के ऊपर इस तरह से रख के हल्का सा प्रेस करेंगे और साइड साइड से इसे इस तरह से क्लियर अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए ये बनकर रेडी है। इसी तरह से एक और मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटो सॉस लगाएंगे उसके ऊपर इस तरह से और उसके ऊपर जो हमने आलू का मिक्सर बनाया है अच्छे से उसे रखेंगे, एक थिक सा लेयर बनाएंगे इसके ऊपर। आलू का जो ये मिक्सर मैंने बनाया है इस तरह से, इसमें कच्चे वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं। आप चाहे तो इन सबको थोड़ा सा सॉटे कर ले और उसके बाद उसमें आलू मिक्स करें तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप इस तरह से जल्दी जल्दी में अगर है तो इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा इसे टेस्टी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाना है तो आप से वेजिटेबल को सॉटे कर ले। ये देखिए हमारा जो दूसरा है इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरह से सारे ब्रेड को बनाकर रेडी कर लेंगे। इन्हें थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और साइड से इस तरह से पूरी तरह से सेट कर देंगे। तो जो हमारे ब्रेड है ना सारे बनकर रेडी हैं। अब ये देखिए दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो बनाते हैं अब आगे का इसका प्रोसेस क्या है। तो इसे अब क्या करेंगे, लेकर हम जाएंगे गैस की तरफ और यहाँ पे लिया है एक तवा, उस पर डालेंगे बटर। बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और उसके ऊपर एक एक करके सारे ब्रेड को रख देंगे। यहाँ पे आपको मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड अच्छे से इसे सेकना है, हाई फ्लेम पे ना सेके क्योंकि हमें ब्रेड को थोड़ा क्रिस्पी बनाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे सेके। तो इस तरह से एक साइड जब हो जाए तो इस तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड भी उसी तरह से हम सेक लेंगे। बाद में सारी चीज़ों को पलटने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा बटर। बटर डालकर जो नीचे का पार्ट है उसे इस तरह से कोट कर देंगे, जिससे जो पूरे ब्रेड में बटर अच्छे से लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो ये देखिए
अच्छे से ये सिक गया है और बहुत अच्छा सा एक कलर भी आ गया है। ये ब्रेड जो है ना हमारे बनकर रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही लाजवाब। अब इसे निकाल लेंगे इस तरह से प्लेट में और ये देखिए इसका कितना अच्छा लुक आया है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि कितना क्रिस्पी बना है ना, एकदम से क्रिस्पी, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। और बस अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसे कट करना पड़ेगा, और तो इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड पर रख कर इसे बीच से कट कर ले, और उस सारे ब्रेड को इसी तरह से हमें कट कर लेना है। तो एक एक करके सारे इस तरह से हम कट करेंगे, जिससे जब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे। सारे ब्रेड को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी टमेटो सॉस, और यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे भुजिया सेव लिया है। आप ना यहाँ पे अगर हल्दीराम का आलू सेव है या आपके पास बारीक नायलोन सेव है तो आप उससे भी इसे बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक आता है और टेस्ट भी। तो इस तरह से ना इसके बैक साइड में जो राउंड शेप में है ना उसमें इस तरह से हम सॉस लगाएंगे और उसके ऊपर इस तरह से नमकीन जो सेव है उसे लगा देंगे। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे सॉस और उसके बाद यहाँ पे जो भुजिया सेव है ना उस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए दिखने में एकदम यूनिक और अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेगा। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। और बस अब इसकी प्लेटिंग करती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। आप इसे टमाटो सॉस के साथ, इवनिंग टी के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म कुरकुरा सा ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बना। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और अब तक वीडियो पे बने हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फिर मिलती हूँ इसी तरह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।